नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने जिन गुरुओं से पढ़ा है, जो भी आपने शिक्षा ली है, आप उसमें खूब तरक्की करें और खूब उन्नति करें। आज दोस्तों, अभी मैं जस्ट स्कूल से आ रही हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं मतलब वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम बाद फेस टू फेस हो रही हूँ आप सबसे। जो बच्चों का प्यार होता है ना, वो बहुत 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 ही अमूल्य होता है। हर बच्चा अपने माँ बाप से तो प्यार करता ही करता है, लेकिन एक टीचर के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत ही बेहतरीन बॉन्ड बन जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड बन जाए, बच्चे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो किसी से प्यार करते हो या किसी से नफरत करते हो। और दुनिया में दो ही इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी तरक्की चाहते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, जो ये चाहते हैं कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर पाएंगे। और दूसरे जो दुनिया में हैं, वो सिर्फ आपके शिक्षक होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं कि हमने जितना अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो बच्चे उससे पता नहीं क्या बन जाए, किस मुकाम तक चले जाए। उसके अलावा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो ये चाहता है कि सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा उन्नति करे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चे अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों को फाइनेंशियल रूप से मना करने के बावजूद, बच्चों ने अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को कार्ड्स के जरिए या कुछ बुके बना के कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस किया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं पिछले 10 सालों से इस डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हुई, जिनको मैं कई साल पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, उन बच्चों ने भी मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए मुझे टीचर्स डे का मैसेज भेजा है कि मैम थैंक यू वेरी मच हमारे टीचर बनने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कितना ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और बहुत से बच्चे हैं जिसमें से बहुत सारे कार्ड हैं, मैं सारे कार्ड तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने जिन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए या कैसे भी फोटो निकाल के मेरे लिए कार्ड बनाया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच उन सभी बच्चों का जिन्होंने इतना एफर्ट किया है, जबकि परीक्षाएं नज़दीक हैं और उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से कार्ड बनाए हैं। और इवन फ्लावर्स, बुके और बहुत बहुत सारे कार्ड, बहुत सारे गिफ्ट बच्चों ने दिए हैं अपने। सबसे अच्छी फीलिंग होती है हैंडमेड है कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। और एक मेरे नाम का की चैन भी बच्चे ने बनाया है, और ये एक्चुअली स्कूल में देख नहीं पाए किस बच्चे ने क्या दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बच्चे ने नाम भी नहीं डाला हुआ है और मेरे नाम का की चैन लेके आया हुआ है। थैंक यू सब बच्चों को जिन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। टीचर होने के नाते मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, अपने दिल से अपना जितना एफर्ट लगा सकती हूँ, मैं बच्चों के लिए लगाती हूँ और आगे भी लगाऊंगी। और एक सबसे अच्छी बात कि बच्चे कार्ड तो बना ही रहे हैं, उन्होंने अपना कंसर्न भी दिखाया है। मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बीमार चल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा पेन है और वो पेन भी थोड़ा सा सीवियर लेवल पे पहुँच गया था। तो बच्चों ने कार्ड में ये चीज़ भी लिखी है कि मैम हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से रिकवर कर जाएं। तो ये सोचिए, मैंने शायद बहुत सारा पैसा नहीं कमाया है, लेकिन मैंने इज्जत कमाई है, प्यार कमाया है। इतना प्यार शायद मुझे अपने पेरेंट्स के अलावा और किसी से शायद नहीं मिला हो, लेकिन मुझे जो बच्चों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ में हो सकता है कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने भी कार्ड बनाने में उनकी हेल्प की हो, तो बहुत 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 ज़्यादा दिल से धन्यवाद। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा और एफर्ट, ताकि टीचर का भी सहयोग दिखे उसमें, कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से लर्न करें और आगे उस चीज़ को फॉलो करें। और सबसे पहली चीज़ कि जब बच्चे टीचर के साथ पढ़ने जाते हैं, टीचर के पास पढ़ते हैं, तो एक ग्लास की तरह, खाली ग्लास की तरह अपने टीचर के सामने बैठे हैं कि उनको उसमें सीखना है। क्योंकि ये मानिए, अगर एक ग्लास है फुल पानी से भरा हुआ है, अगर आप उसमें पानी डालना चाहेंगे तो और पानी उसमें नहीं आ सकता, पानी और डालोगे
तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए खाली ग्लास बन के रहें ताकि टीचर अपना जो भी ज्ञान है जो उनके पास है वो उस ग्लास में डालें, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सोच के बैठो कि हमें सब कुछ आता है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और वैसे सीखने को तो हर कोई छोटा बड़े से सीख सकता है और बड़ा छोटे से सीख सकता है। तो हमेशा अपने दिल से मेहनत कीजिए और भगवान ये प्यार आप लोगों का बना रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद, साथ में टीचर्स का भी जो इतनी ज्यादा मेहनत करती है। मेरे ख्याल से आज के टाइम पे हर टीचर अपने बच्चों के लिए एफर्ट लगाती है, वो चाहती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे तक जाए और मैं भी यही चाहती हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली आप सब मेरे बच्चों के लिए थी जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है, बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।